अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट स्टूडेंट को इंटरेस्टेड होता है, जिसका नाम है कंटेंट अवेयर वेयर। इसका मेन काम क्या है कि आपके पास इमेज होता है, आप उसके अंदर से कंटेंट को रिमूव करके बैकग्राउंड के कलर को एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक पिक्चर ली हुई है, मैं इसमें से एक गर्ल्स को रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं गर्ल्स को रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पिक्चर के साथ से एडजस्ट अच्छा लगता है। अब मैं ये डॉग रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने कंटेंट वेयर फिल टूल में आऊंगा और यहां से मैं इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और शिफ्ट बैक प्रेस करूंगा तो मैं कंटेंट अवेयर फिल का टूल एक्टिव हो जाएगा। अभी जस्ट थोड़ा सा रैंडमली आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मजीद इसको एडवांस लेवल पर स्टडी करके आपको बताऊंगा। कंटेंट अवेयर फिल मोड वहां से भी एक्टिव होती है, प्रीवियस क्लास में आपको दिखाई थी, लेकिन आप किसी भी जगह पर सिलेक्शन करके शिफ्ट बैक प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट अवेयर फिल वाला टूल एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से और भी पैटर्न्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं, आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाह रहे हो जगह पर वो कर सकते हैं। ठीक है, फॉरग्राउंड कलर्स कंटेंट अवेयर फिल में आपके पास जो उसकी आपकी कंटेंट की कलर होगी वो आपकी यहाँ पर फिल हो जाएगी। ओके करता हूँ तो आप देखिएगा कि कुछ सेकेंड्स के बाद आपकी जो पिक्चर है वहां से वो उसकी फिलअप जो है वो उसके उसके हिसाब से उसके करती है, लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई। तो अब कंट्रोल प्लस करके जूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसको पिच टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल के टूल से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम लोग अपना वर्किंग को काम कर सकते हैं। ठीक है, ने कंट्रोल जेड कर दिया है और अब मैंने अपनी थोड़ी सी इसको मूव कर लिया है, कंट्रोल डी सिलेक्ट करके मैंने अपनी सिलेक्शन है उसको डिसलेक्ट कर लिया, और अब मैं यहाँ पर आके अपना मार्क्यू टूल से सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं यहाँ पर आके अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन को यूज कर सकता हूँ इस टूल को लिए। ठीक है, और अब इसने मेरी सिलेक्शंस को कर दिया। अब मैं शिफ्ट बैक प्रेस करता हूँ। ठीक है, और अब मैं अपना जो फिल है वो कलर करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर था वो उसमें उसने फिल करके उसकी कर दिया। अब मसला क्या हुआ कि मैंने पिक्चर थोड़ी सी लाइट ली है, जिसमें हमारे बैकग्राउंड कलर्स हैं वो भी लाइट है, लेकिन जो हमारी पिक्चर्स है वो उसमें लाइट है, तो हम इसमें मल्टीपल तौर तरह अपनी जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉग है वो एक बैकग्राउंड लेयर में चला गया, हम इसमें भी इसको कंटेंट अवेयर फिल को टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा ही यूज में। तो अब इसमें करेंगे कंट्रोल प्लस करके इस इमेज में अपना जो कंटेंट अवेयर फिल टूल है उसमें हम लोग जाके इसको अगेन यहाँ से करेंगे। ठीक है, मैं इसकी रेफली सिलेक्शन ले रहा हूँ। कंटेंट अवेयर फिल टूल जो आपका जब सिलेक्ट होता है उसमें आपकी रैंडमली जो है सिलेक्शन जो वो हो जाती है, और मैंने यहाँ से रैंडमली इसकी सिलेक्शन कर ली है और शिफ्ट बैक प्रेस कर दिया यहाँ से दोबारा। ठीक है, और लेयर सेट करनी है अपने लाजमी है। ठीक है, और मैं अब एसटीसी 50% है, मैं यहाँ से इसकी 100% कर रहा हूँ, और अब मैं जब कंटेंट वेयर फिल करूंगा तो मेरी जो ओपेसिटी होगी वो 100% मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से डिलीट होके मेरे पास आ गया। गलती यहाँ पर क्या हुई थी, गलती यहाँ पर ये हुई थी कि जब हमने कंटेंट वेयर फिल को अप्लाई किया था तब हमारी ओपेसिटी थी वो 50% थी। ठीक है, मैं इसलिए गलतियां आपके साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग उनको जो क्वेश्चन है वो साथ साथ क्लियर होते जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर फिल टूल हमारा लिए बेसिक काम ही कि आपको जितना भी कंटेंट है वो उसको रिमूव करता है, अगर आप यहाँ से इसको ऑपोजिट सेलेक्ट करते तो आपका ये डॉग जो है वो सिलेक्शन में इसमें फिल कर देना था। तो बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे नेक्स्ट टूल के लेके मुलाकात होगी।